विश्व कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला है। भारत इस विश्व कप में अभी तक अविजित रहा है। पिछले सभी छह मैचों में जीत दर्ज करके टीम इंडिया के हौसले बुलंद है और आज एक बार फिर टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं श्रीलंका टीम की बात करें तो पिछले छह मैचों में सिर्फ दो मैच में ही जीत दर्ज कर सकी है, लिहाजा श्रीलंका के लिए आज का मैच सम्मान की लड़ाई होगा। भारतीय टीम की बात करें तो आज के मैच में सभी भारतीय टीम में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 थी, माना जा रहा है कि आज के मैच में भी टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। हार्दिक पांड्या टीम के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। बीसीसीआई के सूत्र का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में वह फिट हो सकते हैं। यह मैच 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय श्रेयस अय्यर का फॉर्म में नहीं होना है। वह पिछले छह मैचों में 0-25, 53, 19, 33 चार रन की पारी खेल सके। वहीं श्रीलंका की बात करें तो टीम का सफर अच्छा नहीं रहा है। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर सके। महेश तीक्ष्णा सहित स्पिन गेंदबाज सिर्फ 5 विकेट ही इस विश्व कप में ले सके। फिलहाल इस मैच को लेकर आपको क्या लगता है, क्या भारत यह मैच जीत जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।